सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन हो गए यार आज। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी गंगुली हाट दुगई आगर से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ और अपने घर से कर रहा हूँ। और आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ घूमने, पिकनिक जोन में ही। तो आज मैं जा रहा हूँ गंगुली हाट क्योंकि कुछ काम है मेरा गंगुली हाट में, एक दो दिन का काम है। कल शाम को शायद वापसी हो जाएगी जहाँ तक अगर काम हो जाएगा तो। और आज के मौसम की बात की जाए दोस्तों, मौसम तो एकदम ख़राब मौसम आज का, मस्त मौसम नहीं है क्योंकि रात भर बारिश थी और अभी कोहरा लगा है, अभी भी छींटे मीटे आ रहे हैं। क्या करूँ, छाता ले जाऊँ ना ले जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी मम्मी से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अभी आज आपको मौसम के दर्शन कराते हैं। आप लोग देख सकते हो आज का मौसम चारों तरफ अभी भी कोहरा लगा है और धूप का तो कुछ नामो निशान नहीं, और बारिश के छींटे भी आ रहे हैं अभी। बमू आप हिटी जा है को तो लागो अल्पन विश्वास के ने लागन जा दी आले क्या है विश्वास नहीं ला अल्लाह वा पोनी बांदर आ ज्ञान हो जा दी हल जा तो घाई ही जन जे। हां सही बता जली कहां ने जा, ये तो कमर पीड़ है रे फिर और घा छने छ और पानी ले जन जी है ठीक छ। और सब चीज छने से भूई भी आई हूं फिर जली गया घाई बुला दी उन बाद में ठीक छ। ठीक सुबह नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ घर से और अब गाड़ी भी का भी हुआ है, गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है। 8:30 हो गया है अभी टाइम। और अभी मैं जाऊँगा सबसे पहले दसाईथल पापा के कमरे में, वहाँ पे रखूँगा सामान, थोड़ी देर वहाँ बैठूँगा, उसके बाद जाना है फिर मेरे को गंगुली हाट। फिर गंगुली हाट का काम करके आऊँगा दसाईथली, फिर दसाईथली रुकूँगा। तो अभी मिलते हैं आपको दसाईथल पहुँचने के बाद। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ पापा के कमरे में और सबसे पहले मैं बाल वगैरह कटा के लाया, बाल और दाढ़ी बना के आया। तो अब जाते हैं मार्केट को और पापा अभी आए नहीं है, पापा आएंगे 1:30 बजे स्कूल से क्योंकि अभी सुबह के स्कूल है। तो फिर पापा वहाँ से आएंगे, खाना बनाएंगे, मेरा अगर काम हो जाएगा ठीक है, नहीं हुआ तो मैं आ जाऊँगा, फिर शाम को जाऊँगा और शाम को भी जा सकता हूँ। तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद, तब तक वीडियो में बने रहिए। जो चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में घुड़े घंटी हो उन्हें दबा दिया यार। तो दोस्तों अभी मैं कमरे में पहुंच गया हूं क्योंकि मैं फिर वीडियो बना नहीं पाया, मैंने फटाफट खाना खाया, पापा भी आ गए थे, पापा ने खाना बनाया स्कूल से आके, खाना खा के मैं सीधे चले गया था क्योंकि लेट भी होने लग गया था, उसके बाद मैं वीडियो बना भी नहीं पाया। और फिर पापा लोग पानी के लिए चले गए थे, पापा सर सब पानी के लिए चले जाते हैं, पीने वाला पानी मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया था, मुंगरू जाते थे पीने के लिए, वहाँ से पीने वाला पानी लाते हैं और नहाने धोने के लिए सब हैंडपम्प का पानी यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसी शीशी सीटी उड़ में और अभी पापा से भी मिलवाते हैं हम आपको। तो ये है पापा, ये देखो निश्वास लाग रही यार, तब मिलनी ले आई हो तुम, मन लगे पापा निश्वास लगा नहीं लगा, ये बताओ दे फिर काएगा हमार क्या आएगा निश्वास तेरा। ये देखो यार मारने के लिए आ रहे हैं अभी, देखा चलो लगून बल कति हड़ा ले यार, मजाक भी नहीं करनी है ज्यादा। तो अब मिलते हैं आपको सीधे कल सुबह, तब तक वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं मॉर्निंग में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी साफ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन हो गए यार। दसाईथल आके एक फायदा तो हुआ, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा सांप है, ये देखो हरा सांप है बिल्कुल। अभी शाम के टाइम पे कमरे के आगे तरफ था, मैं पानी भरने के लिए जा रहा था तो ये कमरे के आगे जो हमारी रोड है वहाँ पे से नीचे को चले गया। ये देखो बहुत बड़ा सांप है यार। एवा पापा बता रहे थे पहले भी आया था यहाँ पे ये सांप। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। और अभी मैं उठ गया हूँ और नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। अब पापा यहाँ आके भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं यार, उठा के पानी पकड़ने के लिए भेज दिया है, अपना भी आए हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पानी इसलिए जा रहे हैं, कल शाम भी गए थे पापा लोग तो अभी भी जा रहे हैं। मौसम का कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि रात भर बारिश थी और
अभी तो साइकिल को बारिश नहीं लगी थी, यहाँ को बारिश लगी है क्योंकि ऊपर को है देवदार का पूरा जंगल, पानी टप टप जैसे मूसलाधार बारिश लगी है वैसे पानी टपकने में लगा है। तो मेरे साथ हैं अभी पापा आगे पे और सर भी आ रहे हैं अभी, दिगारी सर। तो अभी मिलते हैं आपको मुंगरू पहुंच के, वहाँ का नाम मुंगरू कहते हैं, मुंगरू। और आज के मौसम की बात की जाए दोस्तों, मौसम भी एकदम मस्त है। सबसे पहले अभी आपको आज सुबह के मौसम के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो अभी सुबह का मौसम, हल्की हल्की धूप आने लग गई और कोहरा भी लगा है, रात भर बारिश थी मैंने अभी आपको बताया था। और जो ये दिखा रहा हूँ ये है कुठेरा का गांव और उस साइड पिथौरागढ़, तो पूरा अभी उस साइड को कोहरा भी लगा है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे से सूर्यदेव भगवान आ रहे हैं और धूप की किरण सीधे हमारे अंदर आती हैं। पहले ये देखो क्या सीन आ रहा है यार, मज़ा आ गया ये सीन देख के। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मुंगरू और ये है मंदिर का गेट, आप लोग देख सकते हो अभी बैक कैमरा से आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे पापा पानी भरने लग गए आप लोग देख सकते हो, और अभी सर नहीं पहुँचे क्योंकि पहले फ़ोन किया था वो उन्होंने उठाया नहीं, दिया बत्ती कर रहे होंगे तो उनका कॉल बैक आया था, तब तक हम आ गए थे अभी तो आ रहा हूँ बोल रहे थे। अब यहाँ पे से हम फिर साथ ही जाएंगे। तो ये है दोस्तों मंदिर का मेन गेट, ये देखो। और हाँ ये देखो, हाँ। तो अभी मैं मंदिर में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इस साइड को धूप भी है, बाहर से मंदिर के दर्शन कर लेते हैं यहीं से, क्योंकि जोंक वगैरह का ज़्यादा डर है। हाँ जोंक ज़्यादा लगती है। और एक ऊपर पे भी है मंदिर। और अभी का मौसम देख सकते हो आप लोग दोस्तों, अभी पूरा कोहरा लग गया है, देखो ये टुक बा उटुक क्या नहीं, हमारा गांव भी नहीं दिख रहा है यार, यहाँ से हमारा गांव दिखता है पूरा, वो गांव भी नहीं दिख रहा है देखो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पानी की कमी तो नहीं हुई, थोड़ा गर्मियों में दिक्कत आती है तब भी पानी सूखता नहीं है, पानी हम बारह मास यहीं से भरते हैं। और अभी पानी फुल भी है और ये कपड़ा हमने इसलिए बांधा है क्योंकि मिट्टी वगैरह आती है तो वो छनके आता है पानी, तभी यहाँ पे अभी हमने कपड़ा भी बांधा है। ये देखो ये पानी तो बहुत है और ठंडा, इसके सामने फ्रीज फेल हुई लगा लो। तो अभी आप लोग देख सकते हो सर भी पहुँच गए हैं पानी लेने के लिए। तो दोस्तों अभी हम पानी लेके घर में पहुँच गए हैं, तो अब पापा के स्कूल के लिए भी देर हो रही है, टाइम हो गया 6:30। अब मेरे को लाना है हैंडपंप से पानी क्योंकि आजकल नलों में पानी नहीं आता है ना, आता भी है तो गंदा आता है क्योंकि बारिश हो रही है, तो हैंडपंप में भी गंदा ही आता है, अब नहाने धोने के लिए तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है वहाँ। तो अब मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।